खबर है करनाल की, जहां हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस करनाल इकाई की ओर से मौजूदा खट्टर सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई राष्ट्रीय अध्यक्ष पीबी श्रीनिवास द्वारा की गई। इस मौके पर हरियाणा युवा कांग्रेस की ओर से कुंडू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर युवा कांग्रेसियों ने जाट धर्मशाला में इकट्ठे होकर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और इसके उपरांत शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी अमरिंदर सिंह के निवास पर पहुंचे और निवास का घेराव किया। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, जिनको पुलिस के कर्मचारियों द्वारा काबू में किया गया और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई। यहां हम आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की ओर से सरकार की जन विरोधी नीति, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई एवं अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। युवा कांग्रेसियों के इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस हरियाणा से लागू किया, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो सबसे ज्यादा गैंग रेप और रेप बढ़ चुका है वो भी नंबर वन इस कट्टर सरकार ने हरियाणा को दिया है। जो उसी दिन वो लागू किया, उसी दिन वहां सोनीपत में एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। इनको नारा बदलना है, नरेंद्र मोदी सरकार को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा इनको बदलना, क्या रखना है, बेटी पढ़ाओ बेटी को बीजेपी के नेता से बचा के रखना। इस देश में कहीं भी अत्याचार होता है महिला के ऊपर, वहां उनका बीजेपी का नेता हो उनका कार्यकर्ता रहता है, इनको नारा बदल। और किसी पार्टी का हो, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता बीजेपी का अच्छे लेवल पे जो टक्कर देता है, जो पार्टी का संगठन करता है, उनके खिलाफ आईटी रेड करना, ईडी रेड करने का काम इन लोग ने कर रहा है, उसका भी नाम बदलना है इनको, सीबीआई का नाम इनको बदलना, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का नाम को सेंट्रल बीजेपी इन्वेस्टिगेशन नाम रखना है। आप सभी साथी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इस कट्टर सरकार को आप लोग ने उस बैरिकेड को तोड़ के जवाब देने का काम एक एक नौजवान करना है। आप लोग इस कांग्रेस पार्टी का सैनिक है, इस पार्टी का रीढ़ का हड्डी है, आप लोग ने इस गुंगे बेरे निकम में सरकार को उकार के फेंकने का काम आपको करना, और हमारा पास बहुत कम समय है, सब लोग घर घर तक जाके मेहनत करके कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी हो उसको जिता के कांग्रेस सरकार लाने का काम हम सब लोग करना है। आप सभी लोग सुबह से लगातार यहाँ आप लोग ने वेट कर रहा है इस कार्यक्रम के लिए। लास्ट एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में, इस हरियाणा में कोई कुछ नहीं है, कोई वर्ग लोग कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल पूरा गिर चुका है इकोनॉमी के वजह से, उसके बारे में जीडीपी पहली बार इतने गिर चुका है, उसके बारे में इनका कहने का एक शब्द नहीं है। इन लोग नारा आजकल हरियाणा में सब लोग नारा लगा रहे हैं, बीजेपी वाले नारा लगाने से किसी का पेट नहीं भरेगा। सभी वर्ग सभी समाज को साथ में लेके जाना, इस हरियाणा को आगे लेके जाना, विकास करना, वो एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आप सब लोग इससे मैं निवेदन करता हूँ, कोई एक आदमी इधर उधर नहीं जाना, सब लोग मिलके लड़ेंगे। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस।
जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें. धन्यवाद.